जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर के इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है टॉक विद द लीजेंड्स। एंड आज के इस अमेजिंग पॉडकास्ट की सीरीज में मेरे साथ लाइव आने वाली है विंग कमांडर जया तारे मैम। जया तारे मैम हैज बीन अ ट्रांसपोर्ट पायलट विद द इंडियन एयरफोर्स एंड शी हैज फ्लोन अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट्स। जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में, कैसे मैम ने अपनी जर्नी चालू करी, हाउ सी वेंट ऑन टू बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर एंड एन एयरफोर्स पायलट। उनकी जो जर्नी थी, विंग लगने की जर्नी जो रहती है, जिसके बारे में हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। ऑल दोज फ्लाइंग पीप्स हु आर एक्साइटेड टू बेसिकली बिकम पायलट्स, ये सर सारी चीज़ों के बारे में हम आज पता लगाने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, इस सेशन को एंड तक देखना है, किसी भी बच्चे को इस सेशन को मिस नहीं करना। पर्टिकुलरली सारी चीज़ें हम जानेंगे मैम से। यू कैन शेयर दिस सेशन बेसिकली विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं बेसिकली डिफेंस एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, उन सब बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि इस सेशन को शेयर करना, सेव करना, डिफेंस एग्जाम मास्टर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू स्पेशल टैक्टिकल गियर्स इंडिया ऑफ फॉर सेंडिंग मी दिस मर्चेंडाइज सो दैट आई कैन वियर दिस टी शर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माई एडिटिंग टीम हु विल बी डूइंग कमेंडेबल वर्क टू पुट दिस वीडियो, पुट दिस पॉडकास्ट इन फ्रंट ऑफ यू इन अ वेरी वेरी मार्वलस वे। मैम विल बी ज्वाइनिंग इन अ वाइल, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। और डिफेंस एग्जाम मास्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, इंस्पायर्ड रखता है, आपके डिफेंस एग्जाम्स को लेके, आपकी तैयारी को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो उसी के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। मैम विल बी ज्वाइनिंग अस इन अ वाइल और हम उनसे बात करेंगे उनकी अमेजिंग जर्नी के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग लाइव अगेन विद विंग कमांडर जया तारे मैम, एन एयरफोर्स पायलट, अ वेरी वेरी फाइन ऑफिसर। जानेंगे उनकी जर्नी, किस तरीके से मैम ने बेसिकली ज्वाइन किया, क्या चीज़ें थी जो उनके फेवर में रही, कैसे उनकी सर्विस लाइफ रही, कैसे वो एक ट्रेनी पायलट से एक सीजनड प्रोफेशनल एयरफोर्स पायलट बनी, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं बच्चों। तो मैम हैज ज्वाइन एंड ओके, लेट्स हैव अ माइक टेस्टिंग। वेलकम मैम, कैन यू हेयर मी एंड सी मी? ओके, लेट्स चेक इट आउट एक बार। मैम कैन यू हेयर मी, एम आई ऑडिबल टू यू? देयर विल बी अ ऑप्शन कमिंग, यस मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, यू कैन सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल बच्चों, वी विल बी हैविंग मैम विद अस वेरी सून। वी आर जस्ट चेकिंग द ऑडियो क्वालिटी एंड ऑल, वी आर जस्ट चेकिंग इट अप and soon starting the session for you all, and hopefully you will have that patience with you. तो चालू करते हैं अपन मैम के साथ पॉडकास्ट। मैम की जर्नी के बारे में अपन जानेंगे और hopefully you will love it and you will also share it along with your friends who wish to become an Air Force pilot. मैम शुड बी डू अ ट्रायल रन बिफोर दैट, इफ देर इज एन इशू वी कैन जस्ट रीस्टार्ट इट, आई कैन रीस्टार्ट, नो प्रॉब्लम मैम।
आई कैन गाइड यू इफ देर इज एनी इशू विद दिस। शिवम, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, आई कैन हियर यू नाउ। या इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। यस इट ओके, ग्रेट यस। सो ग्रेट, थैंक वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन जया मैम, एंड इंडीड यू। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट, पॉडकास्ट नंबर 29 ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टर। एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन द लास्ट 1.5 टू 2 इयर्स का जर्नी, एंड आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट to have seniors like you who are just a call away, and thank you so much for giving me your precious time, ma'am. Like weekends पे आप लोगों को तंग करना मेरा favorite task है. Like ma'am, I want to. No, no. Then by I'm next. happy that we can finally make it. Yes, yes, yeah. So ma'am, Yeah. welcome on behalf of my whole team, on behalf of all the kids who were waiting desperately for this podcast. Since the I just released the first photo of yours na, ki ma'am is coming. So all those flying people who were very very curious to know you about your journey, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम, विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या वो एक चीज थी, वॉट वॉज दैट थिंग दैट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पायलट? क्या कोई चाइल्डहुड की ऐसी मेमोरी थी, या फिर आप एकदम होते ना जैसे मेरी तरह आई एम अ फ्लाइंग चैप, तो Was you so crazy about flying कि नहीं यार मेरे को पायलट ही बनना है, जिसके वजह से आप एयरफोर्स के पायलट बन गए? नहीं नहीं शिवम, मैं बताती हूँ। मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज डेफिनेटली होती हैं जो भी इस लेवल तक पहुंचता है, बिकॉज इंस्पिरेशन उसी उसी दौरान आती है। इट्स नॉट लाइक कि आप बड़े होके समथिंग इंस्पायर यू सडनली एंड यू बिकम समथिंग। एंड ऑल्सो पायलट बनने की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत डिफिकल्ट है। सो आई जस्ट टेल यू दैट यू नो आई मेरा घर जो है वो चकेरी एयरपोर्ट, इफ यू नो, उसके बहुत पास में है। तो उसमें जो भी चकेरी मतलब कानपुर, तो कानपुर वहां से जो भी एयरक्राफ्ट लैंड होता है और टेक ऑफ होता है वो मेरे घर से दिखता है। सो दिस वाज आई थिंक द बिगेस्ट इंस्पिरेशन, बिकॉज मी एंड माय ब्रदर यूज्ड टू रन टू सी द एयरक्राफ्ट एवरी टाइम। एंड धीरे धीरे हमारी हमारी इतनी सेंसिटिविटी डेवलप हो गई थी कि हम एक एक एयरक्राफ्ट की आवाज पहचान के बताते थे कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, वाओ राइट? तो ये इंस्पिरेशन वहां से शुरू होती है। और धीरे धीरे एज एज आई टेल यू माई स्टोरी हम बढ़ते जाएंगे, बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं कि एयरफोर्स पायलट्स, वाओ, मेरे अंदर भी वो वाओ फैक्टर था जब तक मैं खुद नहीं बन गई। तो एयरफोर्स पायलट्स को देख के मुझे भी ऐसा लगता था कि वाओ, दे आर गॉड्स, लाइक यू नो, टशन होता है एक यूनिफॉर्म का, रेवेंस का, फ्लाइंग का। सो इट्स बीन अ ग्रेट ग्रेट जर्नी। रेवेंस रेवेंस आई लव, मेरा रेवेन देखो बगल में रखा हुआ है। या तो मैम अच्छा मैम एक चीज, मतलब ये थोड़ा ना आउट ऑफ बाउंड है, ये मेरे जो आपको क्वेश्चंस का सेट भेजा था उससे अलग है। मतलब ओके, टॉप गन आपने देखी होगी, लाइक टॉप गन यू माइट हैव सीन फॉर द बॉयज ना, टॉप गन इज लाइक एवरीथिंग ना, दे इट इंस्पायर्ड अस। विच मूवी आई थी विचेता करके, उसमें एयरफोर्स पायलट की जर्नी थी। देन टॉप गन, देन टॉप गन मैवरिक, अभी बच्चों के लिए मैवरिक बड़ी अच्छी। तो यस, उसका भी रोल था क्या लाइफ में, मतलब यू हैव सीन द पायलट्स की लाइफ उसमें भी? नहीं, मैंने टॉप गन 1 डेफिनेटली उस समय नहीं देखी थी जब मैं एयरफोर्स में आ गई थी। मैंने उसके बाद देखी, क्योंकि टिल द स्कूल, लेट मी टेल यू माय स्टोरी, टिल द स्कूल आई वाज वेरी यू नो स्टूडियस किड, पढ़ाई करती थी और मेरा सिर्फ इतना काम था, पढ़ाई करना, घर जाना, खेलना, घर जाना, फिर से पढ़ाई करना। सो माय लाइफ वाज, और मोस्टली लड़कियों की लाइफ वैसी ही होती है, बिकॉज दे आर वेरी यू नो स्कूल में ऐसा ही रहता है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने एयर एनसीसी ज्वाइन की। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हियर नो एयर एनसीसी। तो मुझे उस वक्त, जैसे अब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन आती है कि कहाँ पे क्या होता है, बट हमारे टाइम पे उतना नहीं था। सो मेरे अगेन मेरे घर के पास एनसीसी, 3 विंग एयर एनसीसी थी। तो वहां मैंने बच्चों को देखा था कि हाँ, यूनिफॉर्म पहन के कहीं जाते हैं, मैंने कहा मुझे भी ये करना है। एंड एंड माई फादर सेड कि हाँ ठीक है, जाके इंटरव्यू दे दो। एंड आई रियली डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनसीसी दैट टाइम, कि एनसीसी में क्या होता है।
जब मैं वहां पहुंच गई तब मुझे पता चला, राइट। सो मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया एंड आई वाज सेलेक्टेड एज एन एनसीसी कैडेट। एंड उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि वहां पे फ्लाइंग होती है, राइट। सो इट एक्चुअली हैपेंड एंड आई कंटिन्यू टेकिंग द अपॉर्चुनिटीज विच केम इन माई वे। एंड रियली यू नो वर्क हार्ड तो करना ही पड़ता है कुछ भी करने के लिए। सो दिस इज हाउ माई जर्नी हैज बीन। अभी तो मैम एनसीसी में नए तरीके के एयरक्राफ्ट आ गए, एनसीसी एयरविंग में ना फ्लाई करने के लिए। आपके टाइम पे कौन सा एयरक्राफ्ट हुआ करता था? द फर्स्ट एयरक्राफ्ट आई फ्लू वॉज अर्दरा, बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है और इट वॉज अ ग्लाइडर बेसिकली। इट वॉज विदाउट इंजन। अभी सोच के लगता है कि अरे विदाउट इंजन एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। इट वॉज अ टू मैन कॉकपिट, आगे पीछे लोग टैंडन में बैठते थे एंड इट वॉज अ विंच एयरक्राफ्ट, कि उसको विंच से लेके ऊपर किया जाता था और वो एक सॉटी पूरी करता था डिपेंडिंग ऑन द विंड्स एंड वी यूज टू लैंड। सो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एज यू नो अ फ्लाइंग एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, अपने शहर के ऊपर उड़ने का। अमेजिंग अमेजिंग जर्नी इंडीड मैम। अभी तो पिपिस्टल वायरस हो रहा है, अभी तो पिपिस्टल पे फ्लाई कराते हैं इनको, तो हाँ पिपिस्टल अभी तो वायरस। माइक्रो लाइट्स भी आ गए हैं बहुत जगह और दूसरे एयरक्राफ्ट भी हैं। सो एनसीसी में मेरी फ्लाइंग जर्नी शुरू हुई और वहां से फिर हमारे काफी सारे कैंप्स भी होते हैं, तो मैंने कैंप में भी पार्टिसिपेट किया, पूरी बकायदा ट्रेनिंग हुई। आई स्टिल हैव दैट विंग जो मुझे उस टाइम मिला था, हमारी लॉग बुक्स जो हमने उस समय भरी थी 30 30 मिनट्स की सॉर्टी की। सो आई केम सेकेंड ऑल ओवर इंडिया इन इन द फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। सो अमेजिंग दैट एक्चुअली दैट वॉज द यू नो चेंजिंग पॉइंट फॉर मी, कि उसके बाद सब क्लियर हो गया था कि अब क्या करना है। मैम। तो बेसिकली यही मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों चीजें थी, एंड देन आपने दोनों चीजें आंसर कर दी। अगला क्वेश्चन मेरा आता है मैम कि एनसीसी एंट्री के थ्रू यू ज्वाइन, एनसीसी फ्लाइंग के थ्रू यू ज्वाइन, एंड जो बच्चे नहीं जानते हैं, एनसीसी इज नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी में आर्मी विंग, नेवी विंग एंड वी हैव एयरफोर्स विंग। तो मैम वाज अ एयरफोर्स विंग कैडेट, एंड एनसीसी करेक्ट। एयरफोर्स से आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है फ्लाइंग में। देर आर पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो कि रिजर्व रहती हैं हर कोर्स में एफए के। आप पायलट बनने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो हूज एवर इज वॉचिंग दिस, बॉयज या गर्ल्स, भाई एयर विंग में जाओ, यू गॉट अ टेस्ट ऑफ फ्लाइंग। एक टेस्ट ऑफ फ्लाइंग आपको मिल जाता है, बेसिक फ्लाइंग आपको करा देते हैं, देन एडवांस लेवल पे आप किसी भी कोर्स में आप जाओगे यू विल गेट टू नो। आगे उसका मैं लिंक डाल दूंगा आप लोगों के इसके डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये आता है जया मैम कि आपको यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर एएफएसबी इंटरव्यू है ना, तो बिना एसएसबी के तो कोई ऑफिसर बनेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा ना डेफिनेटली कहते ना भूत है बच्चों के दिमाग में ना एक ना वो बना हुआ है कि यार एसएसबी एसएसबी एसएसबी। तो आई हैव बीन टू 11 एसएसबीज, एंड देन एसएसबी आता था ना जब मैं पेपर पर, बड़ा एक्साइटेड होता था। तो व्हेन यू वेंट टू एसएसबी, लाइक हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड इट टुक यू, वर यू मेड इट इनटू योर फर्स्ट अटेम्प्ट, और कैसा रहा आपका एसएसबी का? कोई ऐसा याद है जो मेमोरेबल रहा द मोमेंट यू गॉट रिकमेंडेड, उसके बारे में आपको बताओ। हाँ, एसएसबी की जर्नी मेरी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी एवरेज ह्यूमन बींग। ओके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि वो टॉप गन टाइप की फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। सो द फर्स्ट एसएसबी आई वेंट वॉज द एयर एसएसबी इन वाराणसी, ठीक है। तो वहां पे मैं पायलट के टेस्ट के लिए गई और इफ यू नो इफ द व्यूअर्स नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेस्ट ना, पायलट का एक और टेस्ट होता है विच इज अ लाइफ टाइम टेस्ट, पीएबीटी, राइट, यस पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। हाँ, तो ये एक लाइफ टाइम टेस्ट होता है कि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप एयरफोर्स में कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द इसे यू कैन ज्वाइन एज अ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, यू कैन ज्वाइन इन एटीसी एनीवेयर, बट यू कैनॉट बी अ पायलट, राइट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गई वाराणसी में, तो जब फर्स्ट डे पीएबीटी हुआ तो मैंने सिर्फ पीएबीटी पास किया और उसी दिन स्क्रीनिंग भी होती है जिसमें जीडी। तो फर्स्ट जीडी जो हमारी हुई उसमें किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया एंड आई वाज वेरी लेस प्रिपेयर्ड बिकॉज मुझे लग रहा था एनसीसी कर लिया है, फ्लाइंग कर ली है, सब हो जाएगा, लेकिन एसएसबी में ऐसा होता नहीं है। सो आफ्टर डूइंग द पीएबीटी आई वाज स्क्रीनड आउट। सो दिस इज माय फर्स्ट एसएसबी एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद फिर मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया एंड मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट इनफ, आई आई नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। अब सबसे बड़ी लिमिटेशन उस टाइम पे क्या थी कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। आजकल मैंने देखा इतने सारे वीडियोज हैं, इतने सारी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी बच्चों को मिल जाती है, एसएसबी जाने से पहले दे आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारे टाइम पे उस टाइम नहीं होता था, तो इट्स लाइक बुक्स पढ़ ली, तो मैंने बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया कि कैसे होता है क्या होता है, एंड देन
क्योंकि देखा है ना आपने कि 6 6 महीने में एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, लाइक एसएसबी एयर, तो उससे पहले आर्मी का एक आर्मी एसएसबी एक आई, तो मैंने वो भी भर दिया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं आर्मी एसएसबी गई इलाहाबाद में, एंड वहां पे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बिकॉज दिस टाइम आई वॉज अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड, आई न्यू हाउ टू डू इट थिंग्स। मैंने काफी प्रिपेयर किया लोगों से पूछ पूछ के कि कैसे होता है क्या करना है, सो दैट वेंट थ्रू वेरी वेल, एंड आई वॉज रिकमेंडेड फॉर द आर्मी एसएसबी, ओके राइट, आर्मी के लिए मैं रिकमेंड हो गई। उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, लेकिन भूत तो एयरफोर्स पायलट बनने का था, तो मैंने फिर से एयरफोर्स की एयरफोर्स एंट्री भरी, एंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी रिकमेंडेड, सो अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया था और पता भी था कि कैसे होता है, तो देन मेरा जो सेकेंड एयरफोर्स की एसएसबी आई दैट वॉज देहरादून, तो वहां पे मैं गई, दैट ऑल्सो वेंट थ्रू, दो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था, मैं बताऊंगी कैसा हुआ था, इट इज अगेन अ फन स्टोरी, इट हैपेंड एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम देयर, सो नाउ मेरी प्लेट में दोनों था, आर्मी और एयरफोर्स। इनफैक्ट एयरफोर्स के जब रिकमेंडेशन होता है मेरिट का, तब तब सारे लोग बैठते हैं, तो उनसे उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा था कि आर्मी में आप ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हो, बाई एयरफोर्स, तो मेरा सीधा सपाट जवाब जवाब यही था कि इट्स जस्ट फॉर फ्लाइंग, सो दैट वॉज द काइंड ऑफ पैशन आई हैड, एंड देन आई ज्वाइन दी एयरफोर्स अकेडमी। अमेजिंग मैम। तो मतलब होता है ना, किसी यहाँ बच्चे एक बार रिकमेंड नहीं हो रहे, आप दो बार रिकमेंड हुए, एंड देन आपको चॉइस करना था, बट यू डिडंट गिव अप आफ्टर योर फर्स्ट फेलियर। डेफिनेटली फेलियर्स मुझे लगता है, देखो इट्स इट्स अ लाइफ लेसन कि फेलियर्स से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो फेलियर आप कहीं पे भी होल्ड कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग इट इन द राइट स्पिरिट। एग्जैक्टली मैम। तो मैम यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा चीज बोलना चाहूंगा, हु सो एवर इज वॉचिंग इट, लाइक यू कैन सी फ्रॉम द जर्नी ऑफ मैम कि मैम एक बार स्क्रीन आउट हो गई तो उन्होंने हार नहीं मानी, सी इंट्रोस्पेक्टेड, एंड देन इंट्रोस्पेक्शन इज द की। अगर आप लाइफ में कभी फेल हो जाते हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, यू विल गेट टू नो कि आप गलती कहाँ करके आ रहे हो, आप उसको लिखो, जॉट डाउन करो, दू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस एंड लूपोस एंड यू विल मेक इट। एंड मैम रिपीटर है भाई, रिपीटर्स को डेफिनेटली स्पेसिफिकली की रिपीटर होना कोई कर्स नहीं है, यू कैन मेक इट, स्टिल मेक इट, एंड देन आपको एज ही मिलेगा बाकियों के मुकाबले। अब मैम एसएसबी में थोड़ा सा और डीप डाउन घुसते हैं, हाउ वाज योर एसएसबी इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू कैसा था आपका, कोई याद ओके, सो मैं बताती हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास दो दो रिकमेंडेशंस हैं, तो आर्मी में मेरा इंटरव्यू काफी अलग था और एयरफोर्स में काफी अलग था, और अलग पे चलियो, हम कई बार जैसे अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो आपके पास यूट्यूब वीडियोस भी काफी सारे होंगे जिसमें इंटरव्यू के बारे में बताया हो जाता होगा कि कौन से क्या क्या फेजेस होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्या करना है, बट मेरे दोनों इंटरव्यू बहुत अलग थे, राइट, द आर्मी वन वॉज डेफिनेटली लाइक पहले थोड़ा यू नो फैमिली के बारे में पूछना, थोड़ा आराम से समझना कि व्हाट इज माय बैकग्राउंड, कैंडिडेट को थोड़ा कंफर्टेबल कराना, और उसके बाद धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल हाई करना। वेयर एज द एयरफोर्स का जो इंटरव्यू था इट वाज टोटली ऑपोजिट, वेर एवर आई हैड रिटन दिस इज माय वीकनेस इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग टू कंटिन्यू दैट दैट इंटरव्यू फॉर 1.5 आवर्स, राइट, क्योंकि आप आपको पहले ही कोई बोल दे कि भाई चलो हम तुम्हारी तुम्हें ये नहीं आता तो हम यहीं से शुरू करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड बाद में मैंने देखा कि ये भी एक पैटर्न है इंटरव्यू करवाने का या कैंडिडेट को जज करने का कि हाउ हाउ यू टेक स्ट्रेस, इट इज इट अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, कि आप वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाते हो कि अरे मेरे को तो यही नहीं आता, उसके बाद आगे मैं कोई क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकता ठीक से, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, इनफैक्ट 90% लोग ऐसा करते हैं कि वो फर्स्ट टू क्वेश्चन ही अगर आपने डिफिकल्ट दे दिए तो बाकी का 1 घंटा तो फिर आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो दीज वर द काइंड ऑफ इंटरव्यूज आई गेव, एंड बट मैम मैं रिकमेंड दोनों में हुई। एंड आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लाइक बीइंग एन ऑफिसर इज नॉट ओनली अबाउट लाइक कि आपको सारी चीजें अच्छी 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 चीज मिलती जाएंगी, देन आप करते चले जाओगे। एंड मैम फौज में जैसा कि मैंने जाना है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ लाइक लास्ट 10 ईयर्स व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट टिल आई बिकम अ एजुकेटर फॉर दिस डिफेंस एग्जाम्स एंड आई हैव गिवन 11 एसेस इन टोटल, तो मैंने ये जाना कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको ब्रेक डाउन नहीं होना होता, आपको वहाँ पे थोड़ा सा करेज दिखाने की जरूरत है, एंड दैट इज वॉट इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज सीकिंग आउट इन यू कि आप ब्रेक डाउन हो जाओगे या आप उसे सेल थ्रू हो जाओगे, बिकॉज बींग अ पायलट इज अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब, बिकॉज इन द एयर यू जस्ट कैनॉट गैस थिंग्स, यू हैव टू बी श्योर
जस्ट कैन नॉट कमिट मिस्टेक्स देयर, तो दैट इज द थिंग. एस एस बी का शिवम एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि एस एस बी एक बहुत डिफरेंट काइंड, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम. आपने देखा होगा इसमें तीन चीजें टेस्ट होती है, एक आपका एप्टीट्यूड, एक पर्सनैलिटी और एक लीडरशिप क्वालिटीज. राइट, इट डजेंट मैटर कि आपके कितने नंबर आते हैं, 90% हो कि 60% हो, इट डजेंट मैटर फॉर देम. एंड दे हैव अ वेरी वेरी कैलकुलेटिव वे, अ वेरी यू नो प्रोसेस थ्रू वे ऑफ जजिंग इट. राइट, दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर देयर प्रोफेशन. राइट, तो बहुत सी चीजें हैं कि हमें समझ में नहीं आता है एसएसबी देके जब हम बाहर आते हैं कि हमें रिकमेंड या हमें नॉन रिकमेंड क्यों किया गया. कई बार क्वेश्चन होता है. राइट बहुत बार ऐसा लगता है कि हुआ है, एंड दिस हैज हैपेंड विद माय स्टूडेंट्स आल्सो, कि कोई बच्चा आ रहा है कि सर मेरा तो हालत खराब था, आई विल नॉट मेक इट. मतलब बच्चे जाते हैं मेरे रिटन एग्जाम्स में, उनको पढ़ाता हूँ सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, एंड दे टेल सर इतना ग्रिल कर दिया सर, मुझे रोना आ रहा था, बस मैं रोया नहीं. एंड देन दिस गेट यस नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वो बच्चा यस मतलब ही और सी सेल्ड थ्रू इट. और कुछ बच्चे ऐसे यस होते हैं कि जो बहुत, यार मेरा तो बहुत सर बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ बहुत, देन दे गॉट कॉन्फिडेंस आउट. एंड दे आर नॉट रिकमेंडेड. सो दे हैव अ बट मैम व्हाट आई फील कि दे हैव अ क्राइटेरिया कि अगर ऐसा फिट होगा तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेने वाले. बट यस, और इम्प्रूवमेंट वो सभी फेजेस का है, सिर्फ इंटरव्यू का नहीं. इट्स अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, इट्स अबाउट द जीटीओ टेस्ट, कि एक फ्रेमवर्क है, अगर आप उसमें फिट हो जाते हो. एंड दैट फ्रेमवर्क इज नॉट कि हमें सिर्फ एक्सपर्ट्स चाहिए. दैट फ्रेमवर्क इज दे लुक फॉर पीपल जिनको वो पॉलिश करके कट अबव बना सके. सो दिस इज द वे एसएसबी वर्क्स. मैम आपने एक लाइन बोली अभी, कट अबव, तो ये ना एयरफोर्स का नया वो आ गया है ना आजकल, वी आर लुकिंग फॉर एक्सेप्शनल, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर कट अबव. आपने तो नहीं दी वाली लाइन. ऑब्वियसली मैम, लाइक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द एविएटर्स आउट देयर, आई एम वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड फ्लाइंग पीप्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट वंस, आई फेल्ड माय पीएबीटी बाय द वे इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. सो आई फेल्ड इन इंसबी बिकॉज आई वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ रॉन्ग कोचिंग, बिकॉज रॉन्ग कोचिंग कैन ऑल्सो किल योर चांसेस. डेफिनेटली डेफिनेटली सो देन आई ट्राइड फॉर माई एरो इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट, तो आई ट्राइड फॉर एरो, देन जीडीओसी, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक द कट. बट नाउ माई किड्स आर गोइंग इन फ्लाइंग टैग, जीडीओसी, एवरीवेयर आई एम सेंडिंग दैम इन. मैम अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता बिल्कुल. हूँ कि एएफए वाला, अब हम मूव करते हैं आपकी जर्नी पे, लाइक क्या प्रोसेस रहता है, मतलब हाउ द ट्रेनिंग ऑफ अ एयरफोर्स, वंस यू ज्वाइन एएफए, आफ्टर योर ट्रेनिंग यू गॉट इनटू मेरिट, देन यू ज्वाइन एएफए, हाउ मेनी फेजेस यस, आर देयर इन ट्रेनिंग, मतलब क्या क्या रहता है ट्रेनिंग के दौरान, कितने टर्म्स की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा सा उसके बारे में कैन यू लाइक ब्रीफ द ऑडियंस. डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल डू दैट, बिकॉज आई फील प्रिविलेज कि मैं बता सकती हूँ और आप यहाँ व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन सकते हैं. अदरवाइज उस टाइम पे जब हम आए थे हमें बहुत सारी चीजें किसी ने बताई नहीं थी. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद एस एस बी. कई बार हमें लगता है ना कि एस एस बी निकल गया तो नाउ वी आर थ्रू, बट पायलट बनने के इतने सारे स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस को पार करना सही जगह पे सही टाइम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, एस एस बी के साथ, एस एस बी में आप एक बार रिकमेंड हो जाते हो, उसके बाद आप जाते हो मेडिकल्स के लिए. पायलट्स के मेडिकल्स आर वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स. राइट, इट इज नॉट लाइक यू, बिकॉज दे मैप यू फॉर द कॉकपिट कि आप कौन से कॉकपिट के लिए फिट हो सकते हो, आप कॉकपिट के लिए फिट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो. राइट, एंड दे डोंट डू नॉट लोअर देयर स्टैंडर्ड्स एनी वेयर, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर दैट पायलट. जब वो पायलट बन जाएगा और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे मेडिकल्स में प्रॉब्लम है तो इट कैन यू नो टेक दैट पर्सन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी हाई. और मैंने देखा है कि एसएसबी से निकलने के बाद भी बहुत सारे लोग मेडिकल में फंसते हैं. राइट, स्पेशली फॉर पायलट्स. ग्राउंड ड्यूटीज का फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट पायलट्स के लिए इट्स अ नो नो. अगर नहीं है तो नहीं है. राइट, सेकेंडली उसके बाद फिर आप जाते हो, जब सब कुछ हो जाता है तो यू गो टू एएफए. एएफए में एक बहुत डिफरेंट चैप्टर शुरू हो जाता है आपकी लाइफ का. राइट, बिकॉज दैट इज द फेज जो आपको बनाता है ऑफिसर, आपको एक एविएटर बनाता है, एक मिलिट्री पर्सन बनाता है. राइट, सो नाउ आप जैसे भी अभी हो, आप जब आज अब ट्रेनिंग से बाहर आते हो तो यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन. एंड वहां पे भी आपका एक एक मिनट इज कैलकुलेटेड, एक एक मिनट इज शेड्यूल्ड. सुबह 4 बजे से शुरू होता है और रात को 10 बजे खत्म होता है. सो
और वहां पे ना सिर्फ ऐसा नहीं है, वहां पे कोई एग्जाम नहीं होता आपका, लेकिन व्हेन व्हेन यू स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ, वहां पे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस है, इट इज लाइक मेंटली मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक पायलट के लिए, क्योंकि जब आप हवा में होते हैं तो वहां पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो जो भी ट्रेनिंग है वो सब नीचे होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि पायलट्स के लिए हवा में उड़ना मैनकाइंड के लिए इट्स इट्स अ अनचार्टेड टेरेन, वी आर नॉट मेड टू फ्लाई, राइट। यस, वी आर नॉट मेड टू फ्लाई, वी आर फ्लाइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स। यस, यस सो जब लॉ ऑफ फिजिक्स के अगेंस्ट हम काम करते हैं तो हमारे पास हमारे हमें उतना ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आप ये फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप नीचे बैठ के कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो यू टेक सम टाइम एंड हो जाता है। अब इसी को मैं आपको एयरक्राफ्ट में बिठा दूं और उसको 300 नॉट्स की स्पीड से चला दूं, एंड अब मैं बोलूं आपको डिसीजन लो, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। तो यही सब चीजें एएफए में सिखाई जाती हैं। फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो एंड यू कैन सी योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। राइट मैम, एग्जैक्टली। तो एएफए टर्न्ड यू इनटू अ फाइन एविएटर एंड देन अ मिलिट्री ऑफिसर। तो डेफिनेटली, एएफए एकेडमी इज अ वेरी वेरी लाइक कहते हैं ना, थ्रू दीज पोर्टल्स पास द बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर्स इन द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू टेक द अंतिम पग आफ्टर यू कमीशन। एंड देन मैम, इसी दौरान एक चीज आती है मेरे दिमाग में, व्हेन यू वर डूइंग योर फ्लाइंग ट्रेनिंग, अभी तो पायलटस PC-7 Mark II एयरक्राफ्ट पे दे गो सोलो। A lot of my students are there in FA and then they are doing their flying and all on PC-7. आपके टाइम पे कौन सा एयरक्राफ्ट होता था, एंड हाउ वाज योर सोलो सोटी एक्सपीरियंस वाज लाइक? मतलब पहली बार, वैसे तो आप इंस्ट्रक्टर के साथ उड़ोगे, बट जब आप पहली बार एयरक्राफ्ट को लेके गए, हाउ वाज इट, हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन यू वाज देयर इन द एयर अलोन विद द एयरक्राफ्ट? इन द एयर, यस आई विल टेल यू। पहली बात तो ये होती है कि एयरक्राफ्ट में जब हम हमारे लिए बैठना एक एक जैसे वो मेडिटेशन होता है ना, कि यू रीच दैट लेवल आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो ग्राउंड ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि जब तक यू आर नॉट थ्रू विद एवरीथिंग एंड टू एंड, यू आर नॉट अलाउड टू टच द एयरक्राफ्ट। आप एयरक्राफ्ट तक पहुंचते ही नहीं हो जब तक आपको सब पता नहीं होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो दैट इज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग वी हैव। सेकेंडली, ट्रेनिंग में भी एयरक्राफ्ट को उड़ाना सब सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्टर होता है साथ में, बट जो सोलो की फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज नाउ द इंस्ट्रक्टर इज नॉट विद यू, राइट। एंड पहले ग्राउंड पे ही बगल में देख के देखना और ये एक्सेप्ट करना कि आज मैं अकेले उड़ाने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो वी फ्लू HPT, जिसमें इंस्ट्रक्टर हमारे बगल में बैठते थे, और उसके बाद HPTs वर रिप्लेस्ड विद द पिलाटस। यस, तो जब आप हवा में गए, व्हेन यू जस्ट टेक्स इट ऑफ, टुक ऑफ, यू वाज इन द एयर, हाउ वाज इट? लाइक इट फेल्ट लाइक कि यू वॉन द वर्ल्ड काइंड ऑफ फीलिंग आया। बहुत बहुत मुश्किल सॉर्टी होती है सोलो। मेरे जैसे बहुत से पायलट्स ये बताएंगे, क्योंकि आप जब किसी के साथ बैठे हो तो आपको पता है कि आज मैं कुछ गलती करूंगी ना, तो ये बगल वाला बता देगा मुझे। लेकिन जिस दिन इंस्ट्रक्टर नहीं होता है ना, तो यू आर सो फोकस्ड एंड सो यू नो आप इतने इनग्रॉस्ड होते हो कॉकपिट के अंदर कि क्योंकि वो लाइट ऑफ डेथ क्या है कि आज मैं अगर लैंड नहीं कर पाई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो और बहुत सारी एंग्जाइटी भी होती है उस टाइम पे। और HPT में हम एरोबेटिक्स करते थे, सो एरोबेटिक्स आई थिंक इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय सोलोस, बिकॉज मुझे एरोबेटिक्स करने में वो जी खींचने में, इफ यू नो यहाँ पे अगर बच्चे जानते हो व्हाट इज पॉजिटिव जी एंड नेगेटिव जी, लूप क्या होता है, हैमर स्टॉल क्या होता है, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्लाइंग। बेसिकली पॉजिटिव जी, एंड देन जी का मतलब होता है ग्रेविटी। मतलब अगर आप पॉजिटिव जी में जा रहे हो, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आपका जो वेट है, लेट अस सपोज योर 60 kg का इंडिविजुअल, तो योर वेट विल बी 2G। अगर 2G पे आप गए तो 120 किलो के आप हो जाओगे, 3G मल्टीप्लाई करते जाओ। एंड देन उस कंडीशन में भी आपको, यू हैव टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट एंड यू हैव टू कम बैक। तो पायलट्स आर द प्रोफेशनल्स जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स तो उड़ते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी फिजिकली एंड मेंटली रोबस्ट एंड साउंड। दैट इज वाई एयरफोर्स डू नॉट टेक चांसेस वाइल सेलेक्टिंग द पायलट्स, बिकॉज आपका एप्टीट्यूड, आपकी फिजिकल फिटनेस पैरामाउंट होनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा मेरिट में सीटें जो होती है ना, उसमें मेडिकल, सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एयरफोर्स के पायलट्स वाली वैकेंसी में लिखा होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर द फ्लाइंग का मेडिकल। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो मैम, आपकी सोलो सॉर्टी के बारे में हमने बात करी, आगे मैं बेसिकली जानना चाहूंगा
जो एक जनरली सवाल आई आस्क टू एवरी ऑफिसर, आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली स्टेज वन स्टेज टू फ्लाइंग एंड देन यू केम टू एफ ए एंड देन आपका पासिंग आउट परेड, हाउ वॉज योर पासिंग आउट परेड लाइक इन योर फैमिली, हाउ वॉज द फीलिंग वेन द एंड विंग लगने वाला एक होता है, मेरे बच्चे पूछते हैं मैम से पूछना सर, वो बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्लाइंग वाले हैं, सर मैम से पूछना विंग विंग जिस दिन लगा था उस दिन कैसी फीलिंग आई थी। कहते हैं ना देर वॉज अ सेइंग व्हेन आई वॉज लाइक एस्पायरिंग फॉर द फोर्सेज मैम, आई वॉज हार्ड कोर फ्लाइंग है, तो वो जो विंग होता है ना पायलट वाला, वो ना प्रिंट आउट करके चिपका लिया था दीवार पे, नॉट ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड कैन बाई यू दीज विंग्स, यू हैव टू अर्न इट। सो यस, तो हाउ वॉज इट बेसिकली? तो सीजीपी जो हमारी पासिंग आउट परेड होती है, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल थिंग फॉर एवरी पर्सन हु इज पासिंग आउट फ्रॉम द एकेडमी, बिकॉज आपने इतना टफ टाइम वहां पे बिताया होता है, और स्पेशली जब आपके घर वाले वहां पे आपके सामने होते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके साथ साथ में उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस मोमेंट को देखने के लिए, राइट? आपकी पूरी जर्नी, जो आप जो भी पर्सनालिटी आपने आज तक डेवलप की है, जो भी यू नो वैल्यूज और लीडरशिप लीडरशिप प्रिंसिपल्स आप लेके आए हो, वो सब उस दिन आपको फील होता है कि जो भी मैंने किया वो वर्थ इट है. एंड सेम इज द फीलिंग फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की हुई होती है आपने आपके ऊपर, प्लस एकेडमी का जो टाइम होता है वो एक मेंटल फिटनेस के लिए यू नो वहां पे फोन्स नहीं होते थे, ठीक है? हमें हमें फोन्स रखना अलाउड नहीं होता था, तो यू आर एक्चुअली कट ऑफ फ्रॉम दी फैमिली. देर इज अ वेरी लिमिटेड टाइम व्हेन दे कैन कॉल यू और यू कैन कॉल देम. तो वहां पे हमने वहां पे मैंने एक बड़ी मजेदार चीज सीखी. वी केम बैक टू लेटर राइटिंग एंड इट वाज सो सूदिंग, और बहुत अच्छा लगता था जब हम लेटर लिख के उनको भेज देते थे, फिर वो आते थे, और लेटर भी हमें अर्न करने पड़ते थे. हमें कुछ पनिशमेंट मिलता था उस टाइम पे कि तुम्हारे घर से लेटर आया है, अभी पहले ये करो उसके बाद लेटर मिलेगा. सो एवरीथिंग इन दी अकेडमी इज अर्न्ड, कि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा. और वैसे ही जब सीजीपी होती है, तो जो विंग, जैसे आपने एकदम सही जो वर्ड्स वो बैटम बताए, बिकॉज दोज हु एसोसिएट विद द विंग्स कैन कैन डेफिनेटली यू नो अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, कि जब आपके विंग लगता है तो वो जो अर्न वाली फीलिंग होती है ना, कि आज मैंने इसे अर्न किया है, ये एक बहुत नॉस्टैल्जिया बड़ी फीलिंग है. आ गया थोड़ा सा मुझे, मतलब And काइंड ऑफ आई जस्ट it stays for lifetime, you know. It is not just for that moment. लेकिन जब भी आप उसको अपने चेस्ट पे लगाते हो, अपने यूनिफॉर्म में पहनते हो, अपने ओवरऑल में पहनते हो, यू यू कम आउट एज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन. राइट। सो आई विल कम डाउन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट की, व्हाट डिड यू लर्न बीइंग एन एयरफोर्स पायलट, बीइंग अ ट्रांसपोर्ट पायलट? थोड़ा सा आप इसी में आंसर कर सकते हो कि आपने कौन कौन से एयरक्राफ्ट फ्लाई किए एंड व्हाट डिड यू लर्न बीइंग एन एविएटर और बीइंग एन आईएएफ पायलट, यू रिटायर्ड एज अ विंग कमांडर, एंड देन व्हाट वुड बी द मैसेज, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं इसको भी, व्हाट वुड बी द, बिकॉज वी आर टॉकिंग कि व्हाट वुड बी द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दीज यूथ हु अस्पायर टू बी एविएटर, जो फ्लाइंग में जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ एयरफोर्स का फ्लाइंग। ओके, सो मेरी जर्नी एयरफोर्स में काफी बढ़िया रही. मैंने इनिशियली, जैसे मैंने बताया, एयरक्राफ्ट एचपीटी फ्लाई किया. उसके बाद वी केम इन टू डोनियस, बिकॉज हमारा ट्राइफर्केशन होता है जिसमें फाइटर्स में लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट. सो आई वॉज अ ट्रांसपोर्ट पायलट. वी वर ट्रेन्ड इन डोनिया एंड देयर आफ्टर आई केम टू एवरोज. एवरोज अब फेज आउट होने वाले हैं, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल एयरक्राफ्ट. सो आई हैव सम 3,500+ hours इन टोटल व्हेन आई रिटायर्ड. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विच ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ पर्सन एट एवरी स्टेज. एवरी आई हैव डिफरेंट पोस्टिंग्स. इंडिया में मैं सब जगह रही. जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बड़ौदा थी, तो मैंने पूरा वेस्ट देखा. फिर मेरी सेकेंड पोस्टिंग साउथ में बैंगलोर थी, तो साउथ देखा. फिर दिल्ली गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए. सो इट इज अ वेरी वेरी यू नो एडवेंचरस काइंड ऑफ लाइफ. आप 24 hours ड्यूटी पे रहते हो. यू आर ऑलवेज ऑन द टोज, बिकॉज पायलट बनना सिविल में और मिलिट्री पायलट बनना एक बहुत ही, अगर किसी को पता नहीं है तो ये दे आर टू अपोजिट पोल्स, राइट? क्योंकि हम पायलट को एक पायलट की तरह देखते हैं कि एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, लेकिन मिलिट्री में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड इन इन फिजिकल प्रेजेंस, राइट? तो आप 24 hours ड्यूटी पे रहते हो, और कभी भी कुछ भी हो सकता है. लाइक कोई भी इमरजेंसी आती है, तो यू जस्ट गेट ऑन अ कॉल, एंड उस टाइम पे आपके घर पे क्या चल रहा है, बच्चे के साथ क्या चल रहा है,
खाना बनाया कि नहीं, ये सब आप नहीं सोचते हो, एंड स्पेशली दिस इज फॉर गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग टू बी पायलट्स. सो इट इज वेरी वेरी यू नो पैशन ड्रिवन. तो अगर आप बहुत पैशनेट हो तब तो आप आओ यहाँ पे, क्योंकि ये लाइफ जो है वो एक ग्लोरी दिखती है यूनिफॉर्म में, लेकिन उसके पीछे पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप मे बी करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, बिकॉज फ्लाइंग बहुत अनशेड्यूल्ड होती है. कभी भी आपको आपको दो रात को 2 बजे भी फोन आ सकता है कि ओके गो, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, बिकॉज हम कैजुअल करते थे. कैजुअल अगर व्यूअर्स नहीं जानते, इट इज कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कि कल को किसी को कहीं गोली लगती है या कहीं पे कुछ क्रिटिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उनको लेके हम नियरेस्ट बिगेस्ट हॉस्पिटल जाते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत काम किया, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी यू नो सेटिस्फाइंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आप किसी को बचाते हो, उसको सही जगह पहुंचाते हो, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखता है. और बहुत सारे जवान हैं जो आज मुझे आके बताते हैं कि मैम आप हमारी पायलट थी और आप हमको लेके गई थी उस टाइम पे. वेरी तो चैलेंजिंग डेफिनेटली है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. राइट मैम। एंड लास्ट मैं यहाँ पे मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि फौज या एयरफोर्स या आप किसी भी आर्मी या कोर में जाओ, यू बी ए पायलट इन द एयरफोर्स, इट इज नॉट अ लाइक जॉब, जॉब नहीं है यार, वे ऑफ लाइफ है। जॉब तो बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो, वे ऑफ लाइफ है। मैम इज नाउ इन टू सेकेंड इनिंग्स, मैम इज नाउ विद अमेजॉन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैम अभी काफी अच्छी पोजीशन पे भी है। तो एंड ऑल्सो इट मेक्स यू रेडी फॉर द सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ इफ यू हैव सर्व्ड इन द फौज, सो दैट इज द थिंग। एंड मैम अब एक मैं क्वेश्चन आपसे आखिरी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि व्हाट वुड बी योर फाइनल मैसेज टू द किड्स हु एस्पायर टू बिकम पायलट्स और ऑफिसर्स। ऑफिसर्स आर लीडर्स, वी नो इट इज अ लीडरशिप पोजिशन एट सच अ यंग एज, यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, यू आर गोइंग टू लीड पीपल, यू आर गोइंग टू लीड एयरक्राफ्ट। व्हाट वुड योर थ्री थ्री पीसेज ऑफ एडवाइस दैट यू वॉन्ट टू गिव देम? Okay, so the first one is it is actually a life advice for any exam to be become anything big in life when you feel ki haan ye main banna chahta hoon. So the first thing is your attitude, ओके right? Your attitude takes you anywhere. आप अगर सोचते हो कि यार मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ उस जॉब के लिए फिट हूँ, तो ये आप बहुत छोटा सोच रहे हो अपने लिए. योर एटीट्यूड शुड बी कि ब्लूम वेर एवर यू आर प्लांटेड, कि तुम जहां पे भी जाओगे वहां पे शाइन करोगे. ठीक है, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए और यही एटीट्यूड आपको बहुत सारे एग्जाम्स पास करा देता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ बिगर पिक्चर इन लाइफ. सेकेंडली कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाता है. विथ कॉन्फिडेंस आई एम नॉट सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. ये जो एक्सैक्टली कॉन्फिडेंस आता है ये बहुत सारी नॉलेज और हार्डवर्क से आता है. तो टेक योर कॉन्फिडेंस वेर एवर यू गो. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ. कोई भी एग्जाम आप पास हो चाहे फेल हो, वो आपका लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक दरवाजा बंद होता है तो 10 और खुलते हैं. एंड कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार मुझे तो ये चाहिए था लेकिन ये नहीं हो पाया, अभी तो मेरे लिए खत्म, अभी मैं और कुछ नहीं करना चाहता. बट आपके लिए और 10 दरवाजे खुले होते हैं जो कि शायद आप उस समय देखना ही नहीं चाहते हो. तो ऑलवेज हैव द यू नो बिगर पिक्चर इन लाइफ. कि अब जैसे मैंने आपने बताया ना सेकेंड इनिंग्स, सो माई हस्बैंड इज ऑल्सो पायलट, एंड हम दोनों ही वी आर कोस्टमेट्स, एंड वी आर फ्लोन टुगेदर, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस जर्नी टुगेदर. बट उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अभी मैंने फ्लाइंग सीख लिया, अभी नेक्स्ट क्या है. दैट प्रॉपल्ड मी टू टू द नेक्स्ट इनिंग्स, राइट? सो बी अ लर्नर फॉर लाइफ, बिकॉज लर्निंग अगर आपका पैशन है तो आप कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हो, आप कहीं पे भी एक्सेल कर सकते हो. यस मैम, तो इंडीड अमेजिंग जर्नी फ्रॉम अ लाइक सीजन एयरफोर्स पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, टू नाउ यू आर वर्किंग विद अमेजॉन प्राइम एयर, राइट मैम। तो एंड काफी अच्छा लगा मुझे आपसे कन्वर्सेशन करके, एंड दिस किड्स हु विल बी वॉचिंग दिस पॉडकास्ट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। और मेरे बच्चे तो मैम नोट्स बना लेते हैं, जो फ्लाइंग वाले हैं ना वो बोलते हैं सर प्लीज प्लीज किसी एयरफोर्स पायलट को लेके आओ, हम नोट्स बनाएंगे सर। सो आई होप मैम ने इतनी सारी इंसाइट्स आपको दी है ना, इफ यू जस्ट इम्बाइब दीज क्वालिटीज इन साइड यू, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो टुडे वी वॉज लाइव विद विंग कमांडर जया तारे मैम, एन एयरफोर्स पायलट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम। आई वुड लाइक यू टू शेयर दिस पॉडकास्ट विद हूएवर यू सीम, जिसको जरूरत है इसकी। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे इन दिस पॉडकास्ट। जय हिंद मैम।
थैंक यू जॉन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू, बाय बाय. जय हिंद.